नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय युस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देव्य प्रिया ऐ केशवस्त च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्रीमद्भक्ति विदान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी समस्त सभी को चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब सारे वैष्णव लोग एकत्रित हुए थे उसी एकत्रित भक्तों के अंदर में एक व्यक्ति थे, बड़े भाग्यवान व्यक्ति है, हैं कहते जिन्होंने बचपन में उन्होंने सारे भाषाओं को पढ़े, अरबी फारसी बंगला तो है ही है, सब भाषा में जो अत्यंत निपुण थे। और मुसलमान जो राजा है उनको ये व्यवहार को अनुकरण करने का वजह से देश में उनका बड़ा प्रतिष्ठा हो रहा था, लोग उनको बहुत वाहवा करते थे, देश में उनकी बड़ी नाम हुआ करता था। लेकिन उनका घर कहाँ पर था? उनका घर था शांतिपुर में, जहाँ पर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का स्थान है। कहते ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं और बड़े पैसा वाला भी थे, बड़े जमींदार भी थे, और लेकिन कूटबाजी में दलबंदी मतलब कूटबाजी इसी काम में हैं, किसको दलित करना, किसको बदनामी करना और आपस में लड़ाई झगड़ा करना, कहते ये काम में वो बड़े निपुण थे। लेकिन बहुत दिन तक उन्होंने ये काम तो किया है, लेकिन करने पर भी सब कुछ भोग करते हुए भी जो आत्मा को जो शांति मिलनी चाहिए, लेकिन इनको आत्मा को शांति नहीं मिलती थी, उनको आत्मा को शांति नहीं मिला है। लेकिन सारे काम तो किया लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिला। उन्होंने जब किसी तरह से आत्मा को शांति नहीं मिला, लेकिन हम जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? आत्मा को शांति। लेकिन उनने सब कुछ काम करते हुए भी शांति नहीं मिला, बोले क्यों शांति नहीं मिली? बोले कारण है, जीव को तभी शांति मिलेगी, कृष्ण कहते हैं अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति। तभी जीवन में परम शांति परम आनंद मिलेगा जब जीव भगवान की शरण में जाएगा। हैं जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता रहता है, लेकिन अगर वो तोते को कुछ खिलाए खाना नहीं खिलाए, पिंजरा को दिन भर पेंटिंग करते रहे, फिर तोता जिंदा रहेगा? फिर तो तोता खत्म हो जाएगा।
उसी तरह वो जितने सब काम कर रहे थे ये केवल ये शरीर को सुख देने के लिए, लेकिन हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा हैं। इसलिए वो आत्मा के लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे, वो जितने काम कर रहे थे कैसे कूट चक्रांत करके कैसे किसका जमीन को हड़प ले और तर्क वितर्क दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा हो, जगत का लोग हमें बड़े बाहवा करें, लेकिन इसमें थोड़ी मैं शांति मिलती है। शांति तो केवल प्रभु की भक्ति से ही शांति मिलता है, हैं। इसलिए बोले नचेंद्र सम सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती। अगर कोई सोचे स्वर्ग का इंद्र बन करके सुखी हो जाओगे, बोले भैया नचेंद्र सम सुखम नास्ति, इंद्र भी सुखी नहीं। बोले न सुखम चक्रवर्ती न, अगर कोई सोचे चक्रवर्ती राजा बन करके सुखी मिलेगा, पूछ लो सब बड़े बड़े राजा आपको सुखी हो, अंदर में बड़ी घबरा घबरा। जैसे योगी अभी हमारे मुख्यमंत्री है, अभी सोचता होगा अगले इलेक्शन में आऊँगा कि नहीं आऊँगा, इतना काम तो हमने किया है, हैं, इतना काम तो हमने किया है, अभी पता नहीं जनता लोग हमें वोट देंगे कि नहीं देंगे, दो बार आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, हैं। इसलिए शांति तो केवल प्रभु की भजन में, जब उन्होंने देखा किसी तरह से कोई शांति नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करना उन्होंने प्रारंभ किया। जब उन्होंने हरिनाम संकीर्तन काल किया, लेकिन उन्होंने बचपन में उन्होंने क्या किया था, दिल्ली में बड़े बड़े जो उस्ताद दो से उन्होंने राग रागिणियों को शिक्षा पाई थी। बचपन में उन्होंने जिस राग रागिणी गाते हैं बड़े बड़े जो क्या कलाकार से उन्होंने ये भी सीखा था। इसलिए उन्होंने सोचा उसी शिक्षा के बल के हरिनाम संकीर्तन में मुखिया बन बैठे थे, इसलिए संकीर्तन में भी बड़े सुंदर गलाबाजी करते थे, बड़े सुंदर, इसलिए उसमें भी उनका बड़ा नाम हुआ है, हैं, जो बढ़िया जैसे गला दिखा सकते हैं, गला की कला करा कर जो दिखा सकते हैं जगत में, उनका भी जगत में बड़े नाम होता है। लेकिन जो वैष्णव लोग है इसको पसंद नहीं करते थे। बोले वैष्णव लोग इसको पसंद क्यों नहीं करते थे, कभी ये भी एक तरह का बंधन का कारण है, हैं, इसलिए एक तरह का ये बंधन का कारण है, जिसको गला बढ़िया, इसलिए बीच बीच में क्या करते थे, गाते समय ना थोड़ा गलाबाजी करते थे, गलाबाजी करके थोड़ी सी दिखा करके इधर उधर देखते थे, हम जो इतने गलाबाजी किया लोग मेरे को बहावा दे रहे थे, लोग मेरे को बहावा, उनका मन किधर जाता था, बहावा का तरफ में। जो हरिनाम निष्कपट रूप में भगवान की करनी चाहिए वो भक्ति कर ले, इसके लिए उनकी मन नहीं जाता था, इसलिए ये भी भक्ति जगत में एक बाधक है, हैं, भक्ति जगत में ये बाधक है। इसलिए करते करते कुछ दिन तक ऐसे करते करते उन्हें नाम संकीर्तन में कुछ सुख मिलने लगा। यद्यपि गलाबाजी करते थे लेकिन करने पर भी भगवान का नाम है, भगवान का नाम तो कल्याण देता है। शास्त्र में बताया अगर किसी तरह से संकेत्यम पारिहासम वा स्तोभम हेलन नवेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विधि, मतलब अगर किसी ना किसी तरह से प्रभु का नाम अगर लेंगे जरूर ये नाम उसका कुछ फल दिखाएगा, हैं, कुछ ना कुछ। जैसे उदाहरण देते हैं वस्तु शक्ति, जैसे आग जल रहा है, छोटे जैसे बच्चे उनको पता नहीं आग में हाथ देने से क्या होता है, हाथ जल जाता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, जाकर हाथ मार देता है, लेकिन आग क्या छोड़ देती है, नहीं, हाथ जला देती है, हाथ जला देती है। जैसे पता नहीं ये जहर है, हमारे देश में क्या होता था, हमारे देश में खेती होती थी, जब खेती होती थी उसमें जहर देते थे, बोतल में ला कर रखते थे, लेकिन हमारे देश में जो मुरमुड़ा होता है ना, जो मुरमुड़ा से थोड़ा सरसों का तेल डाल करके उसको खाते थे। अभी घर का एक बच्चा था, वो लाए थे जहर लाए थे खेती में देने के लिए, उसको पता नहीं चला, उसने सोचा से तो सरसों तेल है, बच्चा था उसको पता नहीं था, उसमें डाला और खाया थोड़ा था। इसलिए वस्तु शक्ति, जहर को अगर पता नहीं ये जहर है, अगर अनजान में भी जहर खा लोगे ना, कहते जहर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो मारेगा ही तुमको जहर, हैं, इसलिए कहते ये वस्तु शक्ति। इसलिए बोलते सांकेत्यम,
संकेत करके हो, हंसी लगी करते हो, जैसे उसको गाते हुए हो, हैं, किसी ना किसी तरह से अगर प्रभु का नाम करोगे तो प्रभु का नाम जरूर उसका फल देगा, वो वस्तु शक्ति कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए इनको तो इतना इन्होंने तो नाम लिए, हरि नाम तो करते हैं, लेकिन थोड़ा प्रतिष्ठा की भावना है, लेकिन रहने पर भी भगवान धीरे 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 चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। इसलिए इन्होंने हैं तब उनको थोड़ी सी शांति मिलने लग गई। करते कुछ उनको सुख मिलता था। उसके बाद इन्होंने श्री नवद्वीप में वैष्णव को निकट गान कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए गोद्रुम में आकर एक वैष्णव आश्रम में डेरा डाला। उन्होंने क्या किया, देखा यहाँ पर गोद्रुम, गोद्रुम कहाँ, नवद्वीप में, जहाँ पर इंद्र ने जब उन्होंने कृष्ण का चरण में अपराध किया, कहते यह अपराध से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। देखा भगवान गैया को बड़े प्रेम करते हैं, उनका नाम गोपाल है, अगर गैया की अनुगत्य में जा करके गाभी की अगर शरणागत हो ठाकुर जी कृपा करेंगे। इसलिए उन्होंने सुरभि गाभी की अनुगत्य में कृष्ण चरण में उन्होंने माफ़ी मांगी, भगवान थोड़ी सी दया की। इसलिए जब देखा दया तो किए लेकिन संपूर्ण रूप में नहीं, फिर उन्होंने उसी सुरभि गाभी की अनुगत्य में नवद्वीप में जहाँ गोद्रुम, गो मतलब गाभी, ध्रुव मतलब वहाँ पर विशाल एक वटवृक्ष था, जहाँ पर वो बैठ करके वहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। इसलिए उन्होंने वही गोद्रुम में देखा यहाँ पर कुछ वैष्णव लोग रह करके भजन कर रहे हैं। कहते ये गोद्रुम में ये वैष्णव लोग रह कर क्यों भजन करते थे, कारण क्या है, इसलिए कहते ये गोद्रुम में क्यों बैठ कर भजन करते थे, कहते जैसे इंद्र ने अपराध किया कृष्ण चरण में, हैं, कृष्ण चरण में अपराध किया तो वो गोद्रुम में बैठी करके भजन करने पर उनका सारे अपराध दूर हो गया। हम भी बड़े बड़े अपराध करते हैं, हमारे अंदर में भी पाप की वासना, हमारे हृदय में अपराध है, कहते वहाँ भजन करने से हमारे सारे अपराध दूर हो जाएगा। इसी भाव से वहाँ पर वैष्णव लोग भजन करते थे और इन्होंने देखा यहाँ पर इतने सारे वैष्णव लोग भजन करते हैं और कीर्तन करते हैं, मैं भी आकर के पास में बैठ कर रहूँगा तो कोई कुटिया बना करके रहूँगा तो एक तो वैष्णव का संग मिलेगा पर हमारी भजन भी अच्छा होगा। इन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर के वहीं पर उन्हें डेरा डाल दिया। एक दिन एक वैष्णव के साथ हुए प्रद्युम्न कुंज की मालती माधवी मंडप में बैठे थे, जहाँ वहाँ पर श्री हैं कहते प्रद्युम्न कुंज की, कहते वहाँ पर एक सुंदर मालती वृक्ष की एक सुंदर मंडप था, एक दिन वहाँ पर बैठे थे। कहते वैष्णव के परस्पर व्यवहार दैन्य प्रकाश व वैष्णव दास की बात सुनकर उन्होंने मन में कई संदेह उपस्थित हुआ। जब उन्होंने देखा वैष्णव लोग बैठे हुए तो वह भी जब बैठे हुए उन्होंने देख रहे थे इनके अंदर में व्यवहार कैसे, वैष्णव के अंदर में व्यवहार को दर्शन कर रहे थे। व्यवहार का मतलब एक दूसरे के प्रति कैसे, एक वैष्णव देखने से एक को प्रणाम करते हैं, वैष्णव को चरण धूल लेते हैं, हैं कैसे बैठ करके हरि नाम करते हैं, भजन करते हैं। इसलिए कहते ये चीज़ बहुत बड़ा लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए नारद जी व्यास देव को कहते हैं इतने जल्दी हमें भक्ति मिली कैसे, इतने बड़े में साधु बन गया कैसे, बोले एक ही कारण है, वैष्णव संगत में जब रहा कैसे देखता था वैष्णव लोग सवेरे सवेरे उठ करके अपना तिलक आनी करके माला करके कैसे आरती में आते हैं, कैसे वैसे करके हरि कथा करते हैं, इष्ट वस्तु होती हैं, भजन करते हैं, 24 घंटा में 26 घंटा समय को कभी बर्बाद नहीं करते, हर समय प्रभु का भजन में लगे रहते हैं। ये सब चीज़ को देख देख करके ना मेरे हृदय में जल्दी से जल्दी हृदय में भक्ति आई है, भक्ति आई है। इसलिए उन्होंने देख रहे थे एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के साथ में कैसे इनकी व्यवहार है, ये व्यवहार को, ये आपस में व्यवहार को देख रहे थे और उन्होंने वैष्णव दासों की बात को सुन करके उनके मन में कुछ संदेह हुआ है। जब संदेह हुआ तब उन्होंने बोलने में निपुण थे, पहले तो बड़े
बोलने में बड़े निपुण थे ही पहले, इसलिए उन्होंने साहसपूर्वक उस वैष्णव समाज में जिज्ञासा कर बैठे। उनका प्रश्न इस प्रकार था, जब बड़े बड़े कोई साधु होते हैं ना, वहाँ पर कि साधारण व्यक्ति को देख करके कोई प्रश्न करना बड़ा कठिन है, संभ्रम होता है, हम क्या बोले नहीं बोले, मुख से कुछ निकल नहीं जाए। यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो साधारण लोग होते ना वो चुप बैठ रहते हैं। जब मैं मंदिर में सबसे पहले, मेरा उम्र होगा इतना 14 साल होगा, मैं सोच रहा था मंदिर में आकर भजन करे, भक्ति करे, भजन करे। तब मैंने अपना जो गुरु जी का मंदिर में आया आकर के मैंने सोचा ये वैष्णव लोगों को मैं पूछूं, अगर मैं मंदिर में रह करके भक्ति करना चाहता हूँ क्या ये लोग मेरे को मठ में रखेंगे क्या, मैं वैष्णव लोगों को पूछूं। लेकिन मेरी उम्र तो मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था, केवल तेरे 14 साल का ऐसे कुछ होगा मैं हैं, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं हुआ। ये साधु लोगों को पूछे अगर मैं साधु बनना चाहता हूँ क्या मेरे को रख, मेरी हिम्मत नहीं हुआ। हाँ, साधु लोग बड़े बड़े थे और उनको देख करके संभ्रम होता था, बड़े साधु है, भजन भजनानंदी भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको कई समय पूछूं कैसे रखेंगे कि नहीं। अरे मैंने क्या हुआ, मैंने आ करके मेरे जो गुरु जी का मंदिर था घुमा फिरा वहाँ, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं, इनको बोलूँ मेरे को क्या मठ में रखेंगे। फिर हमारे गुरु जी के मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है, जब मंदिर जब बंद हो गया मैं चला गया, जा करके समुद्र किनारे में सारा दिन बैठा रहा, और वहाँ पर के भगवान अनंतनाग शयन किए हुए एक मंदिर है, मैं सारा दोपहर वहीं पर 3-4 घंटा वहीं पर मैंने बैठा। मैंने उनको पूछा था जे आपका मंदिर कितने बजे खुलेगा, बोले 4 बजे मंदिर खुलेगा, हैं 4 बजे। फिर मैंने सारा दोपहर वहीं पर समुद्र किनारे में बिता करके फिर मैंने 4 बजे आया। जब 4 बजे फिर आया, दर्जा खुलते फिर आया, लेकिन हमारे मंदिर में एक पूरी महाराज है जो उसी समय ठाकुर को पूजा करते थे, उन्होंने देखा ये बच्चा सवेर भी आया था यहाँ, 1-2 घंटा तो घूमते घूमते रहा लेकिन कुछ बोला नहीं, फिर 4 बजे तो फिर दोबारा आया, फिर ये दो बार आया। जब उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को देख करके वो समझ गए ये बच्चा कुछ बोलना चाहता है, हैं बोलना चाहता है। तब उन्होंने बोले क्या कुछ बोलना चाह रहे हो, क्या मंदिर में रुकोगे, मेरे को उन्होंने बोला बंगला भाषा में, मेरा तो उड़िया भाषा था, बोले तुम क्या मंदिर में रुकोगे। फिर मैंने कहा हाँ, मैं अगर रहना चाहता हूँ मेरे को क्या मंदिर में रखोगे, हैं। जब मैंने ये बात बताया, और मेरे को जानते थे मतलब मेरे गुरुजी के मंदिर में जो चित्रकारी है ना, मेरे जो बड़े भाई थे उसमें कुछ उन्होंने चित्रकारी किया है, हैं, इसी वजह से थोड़ी बहुत मेरे को बोलते थे वो इनका भाई है, हैं इनका भाई, इतना ही जानते थे। इसलिए बोले देखो अभी तो तुम छोटा बच्चा है हमारे, इतने छोटे बचपन में जैसे नियम है ना, 18 साल के बाद में फिर तुम्हारी स्वतंत्रता आती, इसको पहले नहीं, इसलिए अभी मेरा 14 साल छोटा बच्चा, तुम्हारी उम्र कितना, हाँ 18 साल का, हम तो इससे और 4 साल कम था, हाँ 4 साल कम था, इसलिए छोटा बच्चा था। तब तो हमारे गुरुजी मंदिर में बोले देखो तुम अभी तो तुमको हम रख नहीं सकते हैं, और विशेष करके अभी हमारे गुरुजी है ही नहीं मंदिर में, गुरुजी तो अभी कलकत्ता में हैं, मैं कलकत्ता से जब आएंगे फिर तुम आना, फिर हम गुरुजी से पूछ करके जो कुछ करेंगे। मैंने पूछा कब आएंगे गुरुदेव, बोले रथ यात्रा का समय में गुरुदेव यहाँ आते हैं। फिर तब उनको साथ में थोड़ी सी परिचय हो गया, फिर मंदिर में मैं आना जाना करता था, और बहुत दूर से छूट करके, मतलब मैं जो साधु बना है ना, अब सोच नहीं सकते मैं जीवन में जो कष्ट किया साधु बनने के लिए, हैं कोई पिता माता नहीं बोलेगा मेरा बेटा साधु बन जाए, हैं कोई पिता माता नहीं बोलेगा, इसलिए मैंने छुप छुप करके आता था। जैसे गांव से आता था वहाँ से 6 किलोमीटर होगा, 6-7 किलोमीटर में वहाँ से छुप करके अपना, हम तो गांव का बच्चा था, मैं क्या करता था कुर्ता को अपना पॉकेट में रख लेता था, क्योंकि घर से अगर कुर्ता पहन कर आएंगे पता चलेगा वो कहाँ जा रहा है,
इसलिए मैं कुर्ता को क्या करता था, पकेट में छुपा देता था, पकेट में। अब बोलता था मैं जा रहा हूँ यार दोस्तों के साथ में, मैं थोड़ी घूमने जा रहा हूँ, ऐसे झूठ घर में बोल करके। और वहाँ से 6 किलोमीटर पैदल में चलते 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 आता था, 6-7 किलोमीटर होगा, चलते चलते मंदिर में आता था। आकर के वहाँ पर भक्तों के साथ में मिलता था, कथा सुनता था, सुन करके फिर मैं वहाँ इतना दूर से फिर चलते चलते फिर मैं गांव में जाता था। ऐसे में छुप छुप कर आता था। और हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे घर में पपीता का पपीता है, पेड़ बहुत सारे, नारियल का पेड़, अनानास का पेड़ बहुत था, पूरा गांव खाते थे, बहुत होता था, बहुत हमारे बगीचा में। फिर मैं कभी कभी वो सब चीज़ को ला ला करके मंदिर में दिया करता था, मंदिर में देता था। मतलब मैं इसकी यहाँ पर बता रहे हैं, बड़े बड़े जो साधु हैं, जो साधु है उनको पास में जाकर बोलने का बड़ा हिम्मत नहीं होता है, हैं हिम्मत नहीं होता है इसलिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको प्रश्न किया है। बोले प्रश्न क्यों किया, क्योंकि ये बोलने में बड़े चतुर थे, बोलने में बड़े चतुर थे, पहले उनका बड़ा नाम था, इसलिए उन्होंने हिम्मत करके उन्होंने उनको प्रश्न किया है। इसलिए प्रश्न, कहते उनका प्रश्न किया था, इनका प्रश्न था, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र में ब्राह्मण वर्ण को सर्वोत्तम वर्ण कहा गया, उनके अनुसार ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदना आदि नित्य कर्म हैं, यदि वह कार्य नित्य है तो वैष्णव का व्यवहार उनके विरोध क्यों होता है, इनका प्रश्न है। जो एक ग्रंथ है जिसका नाम मनुस्मृति, ये मनुस्मृति क्या है, कहते श्री मनु महाराज, कहते ना ये मनु महाराज सही ये सृष्टि का आया, सृष्टि का क्रम बढ़ा, पहले इसको पहले जो सृष्टि होती थी मन से सृष्टि करते थे, लेकिन जो पति पत्नी मिलन से जो संतान जन्म हुए हैं, जैसे इनकी 2 बेटे और 3 बेटी, आकृति देहोति प्रसूति और उत्थानपाद प्रियव्रत हुई हैं, फिर यहीं से धीरे धीरे जो पति पत्नी का मिलन से जो संतान यहीं से हुआ, इसलिए ये मनु महाराज से हुआ है। इसलिए श्री मनु महाराज ने एक मनुस्मृति ग्रंथ लिखे, जिस ग्रंथ में भगवान हमें ये मानव शरीर क्यों दिया, ये मानव शरीर पा करके हमको कैसे प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, जगत में हम पति पत्नी को साथ में कैसे रहे, अपना व्यवहार कैसे करें हैं। और उसी ग्रंथ में फिर जो आहार निद्रा भय मैथुनंच, अगर किसी ने ये मानव शरीर पा करके केवल आहार निद्रा भय और बच्चों जन्म में ही अगर जीवन को बिता दिया तो कभी ये जानवर के बराबर है, ये जानवर का जैसे बराबर है। इसलिए उस सब ग्रंथों में ना ये सब चीज़ को वर्णन किया है, ये जीवन पाकर कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे 4 वर्ण 4 आश्रम को उन्होंने बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 उन्होंने जाति बनाए, और कौन सा जातियों का क्या क्या कर्म है, वो क्या करके अपना जीवन का निर्वाह करें, उसमें जो इसका लाभ कहते मनुस्मृति ग्रंथ है हैं, वो ग्रंथ में उन्होंने सबका धर्म उन्होंने वर्णन किया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो मनुस्मृति आदि ये जो धर्म शास्त्र में कहते ब्राह्मण को सर्वोत्तम वर्णक बताया गया, कहते वर्णना नाम ब्राह्मण गुरु, कहते ब्राह्मण वर्णों में ये गुरु है, क्योंकि जो 3 वर्ण क्या करते थे, ब्राह्मण की सेवा करते थे, इसलिए ब्राह्मण कोई खेतीबाड़ी नहीं करते थे, ब्राह्मण को नौकरी भोगरी नहीं करते थे। अगर कोई ब्राह्मण अगर पहले नौकरी खेतीबाड़ी करता था ना, बड़ी निकृष्ट मानी जाती थी। ब्राह्मण का केवल एक ही काम है, उनका सेवा पूजा भक्ति ही इनका एक ही काम है, और दूसरों को भक्ति की शिक्षा देना। लेकिन ये कलयुग होने के नाते अभी ब्राह्मण धीरे 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 अपना धर्म कर्म को सब भूल गए, और ये कलयुग का प्रभाव बढ़ा है हैं, कलयुग का प्रभाव बढ़ने का नाते अभी ब्राह्मण लोगों का अपना सारे धर्म कर्म को छोड़ छाड़ करके अपना बिजनेस में लग गए, नौकरी धंधा में लग गए। लेकिन हमारे जो गांव के तरफ में ना, नहीं, ब्राह्मण कोई खेतीबाड़ी नहीं कर सकता है, ब्राह्मण और कोई नौकरी नहीं कर सकता है,
ब्राह्मण का केवल एक ही काम है, भक्ति भक्ति पूजा करना। अगर किसी घर में अगर भिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण आते हैं, हमारे देश में ब्राह्मण को सबके सब भिक्षा देते हैं, वो भिक्षा के द्वारा ही अपना जीविका निर्वाह करते थे, हैं, भिक्षा द्वारा जीविका बैठ के बात, इसलिए भिक्षा द्वारा ही सबके सब जीविका निर्वाह करते थे, ये ब्राह्मण का धर्म है। इसलिए यहाँ पर बताए ब्राह्मण वर्णों में ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया, लेकिन उनके अनुसार ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदना आदि नित्य कर्म, कहते ब्राह्मण लोगों को क्या करनी चाहिए, अपना जो संध्या करते हैं, संध्या मतलब होता है, हैं, जैसे बैठ करके हम लोग, जैसे हम लोग बैठ करके गंगे से जमुने से गोदावरी सरस्वती करके मंत्र को बुलाते हैं, अपना संध्या हम जैसे हम भी जैसे मंत्र जप करते हैं और जो वंदना आदि हम करते हैं, कहते यही तो हैं, कहते ये ब्राह्मण का ये क्या, यही नित्य धर्म है, कर्म है। यदि यह कार्य नित्य है तो वैष्णव के व्यवहार उनके विरुद्ध क्यों होता है, फिर दिखाई पड़ता है वैष्णव लोगों का व्यवहार इनको साथ में मिलता जुलता नहीं, इनका विरोध होता है, हैं भैया ऐसे क्यों, ये तो शास्त्र मनुस्मृति में बताया ये ब्राह्मण का ही ये धर्म है, फिर वैष्णवों के साथ में फिर ये क्यों नहीं मिलता जुलता इस चीज़ को। जब उन्होंने प्रश्न किया, ये प्रश्न को सुन करके वैष्णव लोग के तर्क वितर्क को पसंद नहीं करते, जो वैष्णव लोग होते हैं भैया ये तो दीनहीन होकर के प्रभु का भजन साधन करना जानते हैं, भक्ति करना ही भजन करना ही इनका धर्म है, ये तर्क वितर्क ये सब उनको पसंद नहीं है। लेकिन कोई तार्किक ब्राह्मण यदि ऐसा प्रश्न करता तो वे कलह के भय से कोई उत्तर नहीं देते, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अक्सर करके पहले, अभी तो इतना है नहीं, अभी तो ब्राह्मण लोग सब धर्म कर्म भूल गए, पहले महाप्रभु का समय में प्रभुपाद का समय में ब्राह्मण लोग अच्छे तरह से अपना ब्राह्मण धर्म को मानते थे, इसलिए अक्सर करके वैष्णव लोगों के साथ उनकी लड़ाई होती थी, वैष्णव लोगों के साथ में, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग जगत में चाहते थे हम सबसे बड़े हैं, लेकिन जब वैष्णव लोगों ने जब धर्म प्रचार किया, भक्ति को प्रचार किया, धर्म को, और धीरे 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 वैष्णव का नाम होने लग गया, दुनिया वैष्णव का सेवा पूजा करने लग गया, फिर ब्राह्मण लोग ने सोचे ये वैष्णव लोग आकर हमारे पेट में लात मार रहे, मतलब हमारा जो जीविका भगवान की सेवा पूजा करके लोग हमें ही दान दक्षिणा देते थे, अभी तो लोग हमें दान दक्षिणा नहीं देते, किसको देते हैं, इसे वैष्णव लोगों को दे देते हैं, ये भक्त लोग वैष्णव लोगों को दे देते हैं, बोले क्यों दे देते, कारण है, कारण ये है, कुछ लोग तो ब्राह्मण घर में जन्म हुए लेकिन ब्राह्मण का जो आचरण नहीं करते थे, गुटखा खाते थे, बीड़ी फूंकते थे, पान खाते थे, हैं, इसलिए कोई कोई ब्राह्मण तो शराब भी पी लेते थे, इसलिए लेकिन जनेऊ नहीं डालते, पूजा नहीं करते, लेकिन अपना को क्या मानते हैं, हम ब्राह्मण हैं। अब वृंदावन में जाओ, वृंदावन में गए हो ना, अब तो हमारे आश्रम में गए, अब वैसे आप घूमने के लिए जाओ वृंदावन, झट आपको पंडित लोग पकड़ेंगे, तो चलो मंदिर दर्शन करा लेंगे, कोई तिलक नहीं, गले में कोई कंठी नहीं, धोती नहीं, पैंट पहन रखे, आप देख रहे पैंट पहन कर रखे, प्लस शरीर में कोई ब्राह्मण का कोई चिन्ह नहीं, कोई लक्षण नहीं है, लेकिन जो वैष्णव लोग आप देखना अच्छे तिलक लगाएंगे देखोगे, गले में कंठी पहने हुए देखोगे, हरिनाम करते हुए देखोगे, अपना गुरु मंत्र जप करते हैं, अपना धर्म कर्म को अच्छे तरह से पालन करते हैं, इसलिए धीरे 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 क्या हुआ कि जो वैष्णव लोग हैं ना, जो अपना जो धर्म करते थे, जाजन करते, धीरे 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 नीचे गिर गए, और लोगों ने उनको नहीं देख करके जो साधन भजन भक्ति करते हैं जब देखते हैं तो उनको ही वो सेवा करते, इसलिए हमारे मंदिर के आसपास में कुछ ब्राह्मण लोग भी विरोध हो गए, मंदिर बना रहे थे विरोध हो गए ब्राह्मण लोग, हैं, बोले इनकी चल नहीं जाए, हमारी बंद नहीं हो जाए, हैं, हमारी बंद नहीं हो जाए, इसलिए मंदिर के लिए भी कुछ लोग यहाँ विरोध कर लिए, कहाँ से गौड़िया बटवाल आ गए यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर आकर झंडा गाड़ रहे हैं, और इनको पास में सब भक्त लोग जा रहे हैं और हमारे पास में कोई आ ही नहीं रहे, कारण क्या, कारण हम लोग जो ब्राह्मण धर्म को सही सही रूप में जाजन नहीं करते, इसलिए यहाँ पर उन्होंने वैष्णव लोग, अगर कोई ब्राह्मण लोग ऐसे प्रश्न करते थे, वैष्णव लोग
उत्तर नहीं देते थे। क्यों? बिना कारण के झगड़ा होगा, इसलिए झगड़ा के साधु लोग तो झगड़ा करना चाहते नहीं हैं, वो तो भजन करना चाहते, इसलिए वो उत्तर नहीं देते थे। लेकिन किंतु यहाँ समागत प्रश्न करता हरिनाम गान करते हैं, करने वाला देख करके उन सब ने कहा, श्रीयुत परमहंस बाबा जी महाराज यदि इसका उत्तर दे तो हमें आनंद होगा। लेकिन देखा जो प्रश्न किया है, यद्यपि वो ब्राह्मण हैं लेकिन वो वैष्णव को साथ में आते हैं, बैठते हैं और हरि कथा सुनते हैं, इसलिए देखा इनके अंदर में हरिनाम का प्रति और वैष्णव का प्रति भावना है, इसलिए ये चीज़ को देख कर बोले ठीक है इनका उत्तर दिया जाए। लेकिन उत्तर कौन दे? बोले परमहंस बाबा जी महाराज इसका उत्तर यही दे। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ को बोले, लेकिन इसको सुन करके परमहंस बाबा जी वैष्णव के आदेश को सुन करके दंडवत प्रणाम किया। नियम है अगर वैष्णव लोग हमें कोई आदेश देते हैं तो आदेश को हमें पालना करनी चाहिए, इसलिए आदेश सुन दंडवत प्रणाम करने के बाद तब उन्होंने बोले महोदय यदि आप लोगों की इच्छा हो तो भक्त प्रवर वैष्णव दास उक्त प्रश्न का सम्यक उत्तर दे। सभी ने उसका अनुमोदन किया। बोला अगर आप लोगों की इच्छा हो अनुमोदन करते हो इसका जो उत्तर है ना, कहते ये वैष्णव दास उत्तर दे। हैं वैष्णव दास कौन है? सन्यासी। बोले क्यों? बोले इनको बोले क्यों उत्तर देने के? इसलिए ये भी ब्राह्मण घर में ही जन्म हुए थे और उनने हंस परमहंस कुटीचक बहुत सारे उन्होंने आश्रम को पार किए और उनने जितने सारे ग्रंथ हैं ना, शास्त्र को, न्याय को और जितने सारे ये सब वेद उन्होंने सब कुछ पढ़ रखे, सारे शास्त्र को पढ़ करके तब उन्होंने ये वैष्णव जगत में आए। फिर आने का नाते फिर उसी जगत से आ करके फिर उन्होंने वैष्णव का संग किया और उन्होंने इसका भेद को समझ लिया, ये ब्राह्मण धर्म किया और ये वैष्णव धर्म किया है। हैं अभी उसको उत्तर देने के लिए आपको हर तरह का ज्ञान होनी चाहिए ना, इसलिए उन्होंने देखा इनके अंदर में ये सारे ज्ञान परफेक्ट रूप में सारे ज्ञान है इनके अंदर में, इसलिए ये सही उत्तर दे सकते हैं। इसलिए बोले भैया इसका उत्तर वैष्णव दास अगर दे ये सही सही उत्तर दे पाएंगे, इसलिए अगर आप लोगों की इच्छा हो तो ये वैष्णव दास इसका हैं उत्तर दे। तो उन्होंने कहते वैष्णव दास गुरुदेव की बात सुनकर अपने को धन्य समझ करके नम्रता पूर्वक कहने लगे मैं बहुत ही अधम हूँ और अकिंचन हूँ। देखो यहाँ पर सारे वैष्णवता को यहाँ पर प्रकाश करते हैं, यहाँ पर गुरुदेव उत्तर नहीं दिए, उत्तर किसको देने के लिए बोले? शिष्य को। जब शिष्य को उत्तर देने के लिए बोले, लेकिन अगर साधारण कोई व्यक्ति होता है ना, बोले देखो गुरुदेव जो नहीं जानते उसको मैं भी जानता हूँ, गुरुदेव यहाँ पर उत्तर नहीं दे सके उसका उत्तर गुरुदेव मेरे को आदेश किया तुम उत्तर दो, इसका मतलब क्या? गुरु से भी हम बड़े हो गए, गुरु से भी हम बड़े हो गए, गुरु जी से, गुरु जी जो नहीं बोल सके मैं बोल पाऊँगा। साधारण व्यक्ति होता तो क्या होगा? अभिमान आ जाता है, गुरु से भी हम बड़े, गुरु जो नहीं जानते वो काम मैं भी कर देता हूँ, अरे गुरुदेव क्या जानते उससे भी मैं बहुत जानता हूँ। कहते ये क्या होता है साधारण जीव के अंदर में ये अभिमान आ जाता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं एक भक्तों का अंदर में क्या गुण होनी चाहिए, एक साधु अंदर में क्या गुण होनी चाहिए, ये सब बात को भक्त मुनि ठाकुर यहाँ प्रकाश कर रहे हैं। हैं यद्यपि गुरुदेव ने हैं तब उन्होंने जब उन्होंने आदेश दिया है तब उन्होंने क्या कह रहे हैं, गुरुदेव का आदेश को सुन करके कहते आज मेरे तो जीवन धन्य हो गया है क्योंकि गुरुदेव ने मेरे को कुछ कथा सुनाने के लिए गुरुदेव ने मेरे को आदेश दिया है, इसलिए बड़ी नम्रता पूर्वक बोले कहते मैं तो दीनहीन और अकिंचन हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं अकिंचन हूँ। इसलिए ऐसे महती विद्वत सभा में मेरा कुछ बोलना नित्यांत अनुचित है, फिर भी गुरुदेव की आज्ञा सर्वदा शिरोधार्य, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे, कहते इतने बड़े बड़े विद्वान सभा में मैं दीनहीन व्यक्ति क्या बोल सकता हूँ, मेरा तो बोलने का कुछ हमारे अंदर में योग्यता है ही नहीं। लेकिन अगर गुरुदेव कोई आदेश देते हैं क्या करनी चाहिए? गुरु जी का आदेश को पालन करनी चाहिए।
जब मैंने मथुरा में आया, मैंने उस समय में मेरा उम्र कम था, छोटा था, तो गुरु जी के पास छोटा था, तो गुरुदेव वहाँ पर क्या करते थे, सबको खड़े कर, जैसे मैं बोलता तुम बोलो हरिकथा बोलो, गुरुदेव खड़े करते तुम बोलो खड़े करते थे। लेकिन मैंने नया नहीं आया, बोले रसानंद तुम बोलो भक्त विनोद ठाकुर का जीवन चरित्र को पढ़ तुम बोलो। मैंने कहा गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। गुरुदेव ने कहा तुम मेरा आदेश पालन करोगे ना मैं तेरा आदेश पालन करूँगा। जब गुरुदेव ये बोले फिर तो मैं बीच में फंस गया, तो फिर मैंने खड़े होकर के गुरु जी को आदेश को पालन करने के लिए मैंने फिर वहाँ पर कुछ मैंने हरी कथा बोले। जब हरी कथा बोले गुरुदेव बड़े खुश हो गए, बोले तुम बहुत बढ़िया बोले हो, बहुत अच्छे बोले हो, बोल रहा था तुमको आता ही नहीं कुछ, लेकिन तुमने अच्छी बोल बात बोले हो। क्यों, गुरुदेव हौसला बढ़ाते हैं धीरे धीरे, गुरुदेव ऐसे तो सिखाते हैं ना, इसलिए बोले अच्छी बहुत बढ़िया बात बोले हो। इसलिए यहाँ पर कहते मैं तो अधम हूँ, मैं अकिंचन हूँ, ऐसे महत्व महोत्सव में मेरा कुछ बोलना भी अनुचित है, लेकिन गुरुदेव का आदेश हमें पालन करते हुए हमें गुरुदेव का आदेश को पालन करनी चाहिए हैं। इसलिए जब गुरुदेव कोई आदेश देते हैं है? कोई सेवा के लिए कुछ काम के लिए उसको अपना सर को नीचा करके वो आदेश को पालन करनी चाहिए। बोले क्यों, बोले गुरुदेव जब कोई आदेश देते हैं जो आदेश को पालन करते हैं उसमें ही आदेश देना मतलब कुछ हमें शक्ति प्रदान करना है हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जब वो आदेश को हम पालन करते हैं क्या होता है, फिर गुरु जी का कृपा भगवान कृपा भी मिलता है। अगर उनको आदेश को पालन नहीं करते हुए अगर गुरु जी को फिर गुरुगिर करने लगे जाए, बोले गुरुदेव ऐसे नहीं, अगर ऐसे होता तो बढ़िया रहता, नहीं गुरुदेव ये होता तो अच्छा रहता है। इसलिए वहाँ पर बताए एक होता है जो सेवकों को भौंरा रूप में बोले, भौंरा मतलब क्या है, जैसे भौंरा होता है ना गुनगुन 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 करता है, मतलब गुरुदेव कुछ आदेश दिए, गुरुदेव आदेश को पालन नहीं करते हुए अपना अपनी युक्ति करते हाँ अपना युक्ति तर्क अपना गुरुदेव ऐसे नहीं ऐसे ऐसे होता तो ऐसे है। इसलिए और एक होता है बाण, बाण मतलब है गुरुदेव आदेश दे रहे हैं पूरा सुने ही नहीं, जैसे बाण मारते ना तीर फटा चल जाता है, एक आदेश देने से पहले ही भाग गया, लेकिन थोड़ी दूर जा करके सोचा हम लोग गुरु जी का आदेश ही नहीं सुना क्या बोलना चाहते, फिर वापस आता है, बोले गुरुदेव क्या बोलना चाह रहे थे, बोले मैं तो ख़त्म ही नहीं किया, तुम पहले ही हाँ तुम पहले ही तुम भाग गए हो हैं। इसलिए हम मेरे जो गुरुदेव थे तो वहाँ पर जो पुरी में जो मुनि महाराज है एक मंदिर बन रहा था, मंदिर बनते समय जैसे नीचे बांस दे करके वो इस अटका कर रखते हैं ना बांस, वो नीचे दे करके उसको कोई छात छात जैसे पड़ता है, तब गुरुदेव ने मुनि महाराज को बोले तुम इसको खोल देना। लेकिन वहाँ पर और एक थे प्रेमानंद प्रभु गुरुदेव का जो सेवक एक थे, तब गुरुदेव ने आदेश दिया मुनि महाराज को इसका तुम खोल देना, लेकिन हाँ मंदिर पूरी मंदिर में, लेकिन जो दूसरे जो सेवक थे बोले इसको खोल देगा तो छत ही गिर जाएगा, ये छत गिर जाएगा, खोल दिया कैसे बोले, लेकिन गुरुदेव ने आदेश दिया है उनको मुनि महाराज का आदेश दिया है उसको खोल देना, लेकिन उन्होंने गुरु जी का आदेश पालन करके खोल दिया छत गिर पड़ा, छत जब गिर पड़ा तो इतने में गुरुदेव ने बोले तुमने खोल दिया, बोले गुरुदेव तो खोल दिया लेकिन वो छत गिर पड़ा। तब गुरुदेव कहते मैं यही देखना चाहता था तुम मेरे आदेश पालन करते कि नहीं, गुरु जी का आदेश को तुम जानते हैं उनको भी छत गिर जाएगा, लेकिन चूंकि गुरुदेव ने आदेश दिया है, गुरुदेव का आदेश बलवान है, इसलिए गुरुदेव ने बोले मैं देख रहा था तुम मेरे आदेश पालन करते भी नहीं, तुम अपना बुद्धि लगाते ना गुरुदेव का आदेश को पालन करते, फिर गुरुदेव उसको बाद में उनको संन्यास दिया, गुरुदेव उनको उसको बाद में उनको संन्यास दिया। इसलिए यहाँ पर श्री वैष्णव दास कह रहे हैं कहते ये गुरु जी का चूँकि ये आदेश है इसलिए ये आदेश को मैं तो बोलने में अयोग्य हूँ, लेकिन गुरुदेव ने आदेश दिया है इसलिए मैं गुरुदेव का आदेश को मैं पालन करता हूँ। मैंने गुरुदेव के मुखार बिंदु से निकलते हुए जिस तत्व उपदेश रूप मधु का मैंने पान किया उसी को मैं स्मरण करके यथाशक्ति बोलता हूँ। इसलिए मैं बोलूँगा कहाँ से,
लेकिन जो कुछ हमने गुरुदेव से सुना है मैं उसी को ही चर्बित चर्बण करने के लिए चाहता हूँ। उसके ही जो चिबाए हुआ चीज़ को जैसे चिबाते हैं गुरुदेव, वो जो सुना हुआ वस्तु कहीं मैं बोलूँगा। देखो यहाँ पर जो सारे चीज़ बता रहे हैं ना, वैष्णव धर्म में कैसे हमें रहनी चाहिए, ऐसे नहीं अपना बहादुरी दिखाना, कोई बहादुरी नहीं दिखाना भक्ति जगत में। इसलिए नियम क्या है, गुरुदेव से सिलवल सुख मुखात अमृत द्रव संयुक्त, मतलब सुख का मुँह से हमने जो कुछ प्राप्त, जो उनको मुँह से जो चीज़ निकली है वह चीज़ को पान करो। इसलिए बावन गोस्वामी महाराज कहते थे नूतन किछु कर भाई, नूतन किछु कर और अपना जुती का सर पर धर। कहते कुछ नया करनी चाहिए, बोले क्या नया, बोले अपना जुती का सर पर नया काम नया काम। कहते हमें कोई नई चीज़ नहीं रखनी है, हम क्या करनी है, हमारी गुरु वर्गों ने जो चीज़ दिखाया, हमारी गुरु परंपराओं ने जो चीज़ दिखाया है वह मार्ग पर हमें चलनी चाहिए, उसी आदर्श को हमें चलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते गुरुदेव से मुँह से हमने जो कुछ सुना है उसी को ही स्मरण करके यथाशक्ति बोलता हूँ। कहते इतना कहकर वैष्णव दास ने परमहंस बाबा जी की चरण रज अपने सारे शरीर में लगा कर खड़े होकर के आरंभ किया। तो उन्होंने क्या किया, वैष्णव दास ने अपना जो गुरु जी थो परमहंस बाबा जी महाराज उनका चरण धूलि को उन्होंने लेकर के अपना सर पर लगाया, गुरु जी का आशीर्वाद को लिया है। देखो सारे सारे व्यवहार को दिखाते हैं एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, शरीर में लगा करके उन्होंने क्या किया, उनने कहना आरंभ किया। कहते जो साक्षात परमानंदमय भगवान जब उन्होंने आरंभ करते हैं, कहते हैं पहले शुरुआत कैसे किया, बोले जो साक्षात परमानंदमय भगवान है, हैं कहते ब्रह्मा जिनकी अंग कांति और परमात्मा जिनकी अंश और समस्त प्रकाश और विलास के आधार स्वरूप हुए श्री कृष्ण चैतन्य देव ही हम लोगों की बुद्धि वृत्ति में प्रेरणा करे। इसलिए ये एक उपनिषद का श्लोक है, हैं उसमें बताया जद अद्वैत ब्रह्मो उपनिषद ही तत्पश्यत अनुवा, जिसको उपनिषद ब्रह्म कहता है, ब्रह्म मतलब जो निराकार ब्रह्म ज्योति स्वरूप। कहते ये ज्योति स्वरूप कौन है, ये कहते ये ज्योति है भगवान की अंग कांति, भगवान इतने सुंदर इतने प्रकाश, उनका शरीर का जो प्रकाश जो ज्योति ये ब्रह्म है जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं। कहते ये परमात्मा कौन है, भगवान कहते ये मेरे अंश है। कहते ये भगवान कृष्ण कौन है, वा चैतन्य महाप्रभु जो सढ़ ऐश्वर्य पूर्ण हैं, छः ऐश्वर्य से पूर्ण जो भगवान हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए हम उसको इसलिए चैतन्य देव ही हम लोगों का बुद्धि वृत्ति में प्रेरणा करे, महाप्रभु प्रेरणा करे। क्या है, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, कद धर्मशास्त्र वेद शास्त्र के अनुगत विधि निषेध को निर्णायक शास्त्र होने का कारण उनका जगत में सर्वत्र आदर है। कद ये मनुस्मृति का जगत में इतना आदर क्यों, ये मनुस्मृति बड़े कारण है। कद ये मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र वेद जो शास्त्र के कहते अनुगत होकर के जो विधि निदेश निर्देश को निर्णायक शास्त्र होने का कारण, कहते उसमें क्या बताया गया, हमें जीवन में क्या करनी चाहिए, जीवन में हमें क्या नहीं करनी चाहिए हैं। इसलिए भागवत में आता है ना, इसलिए विष्णु दूतों ने जब दूत से प्रश्न किया, बोले बताओ तुम अपने आप को कहते हो धर्म राजा का दूत है, धर्म राजा का दूत कहे तो बताओ धर्म का डेफिनेशन क्या होता है, बताओ धर्म किसको कहते हैं, बोले वेद प्रणीत धर्म अधर्म तत्व विपर्यय। कहते वेद में जो बताया गया यही धर्म है और उसका जो विपरीत ये अधर्म है, हैं इसलिए कहते वेद में क्या, वहाँ पर जो बताया गया जो विधि हमको क्या क्या जीवन में करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी, पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, पाप का डेफिनेशन किया, पुण्य का डेफिनेशन किया है। कहते ये जो निर्णायक इसको निर्णय करने वाले शास्त्र होने का कारण, कहते इसके जगत में सर्वत्र आदर है, ये शास्त्र सर्वत्र आदर है। लेकिन मानव का जो प्रकृति है
कहते दो प्रकार का प्रकृति मानव का। बोले क्या प्रकृति दो तरह का? बोले एक वैधि प्रकृति और एक रागानुगा प्रकृति है, ये दो प्रकृति है। कहते जब तक मानव की बुद्धि माया के अधीन रहती हैं तब तक मनुष्य प्रकृति अवश्य ही वैध रहता है। ये चीज़ को समझ लो। कहते ना भक्ति दो तरह का व प्रवृत्ति दो तरह का, एक वैध है वैधि और एक रागानुगा। कहते वैधि प्रवृत्ति किसको कहते हैं? बोले जब तक ये मानव क्या बुद्धि ये माया की अधीन में हम रहते हैं हैं, तब तक मानव का जो प्रकृति अवश्य ही वैधि रहेगी हैं, समझ गए कि नहीं? तब तक ये वैधि रहेगी कि जब तक ये बुद्धि माया के अधीन है हैं। लेकिन जब हम माया से बंधन ऐसे मनुष्य की बुद्धि मुक्ति होने पर फिर वही वैधि प्रवृत्ति नहीं रहती है, फिर रागानुगा प्रकृति प्रकट हो जाती है। लेकिन जब ये वैधि से ऊपर चली जाती हैं, विधि निषेध से ऊपर चली जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको रागानुगा हो जाती हैं। कहते रागानुगा प्रकृति ही जीव की शुद्ध प्रकृति, स्वभाव सिद्ध चिन्मय और जड़मुक्त। कहते रागानुगा प्रकृति यही जीव का ये स्वभाव सिद्ध प्रकृति और चिन्मय और ये जड़ से मुक्त, समझ गए कि नहीं? समझ गए। इसलिए कहते जो रागानुगा प्रवृत्ति यही प्रवृत्ति, देखो ये चीज़ को समझो। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन अभी हमारी जो प्रवृत्ति ये माया के अधीन में है। जैसे सवेरे हम उठते हैं, सवेरे उठने की इच्छा करते हैं? इच्छा नहीं करते हैं उठने, क्योंकि अभी गर्मी का समय है, इसलिए रात में कभी गर्मी लगने पर थोड़ी सी नींद कम आती है। जैसे सवेरे जो उठते हैं, अगर मंगल आरती में नहीं जाएंगे तो फिर मंगल आरती कौन करेगा हैं? मंगल आरती कैसे होगी? इसलिए जल्दी उठो मंगल आरती में, ठाकुर जी की मंगल आरती में चलो, जल्दी 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 मंगल आरती में चलो। मंगल आरती जाने से पहले नहा लो, तिलक लगा लो हैं, तिलक लगा करके मंगल आरती में चलो हैं, चलो ये सेवा करो। कहते ये क्योंकि हमारी जो बुद्धि ये माया की अधीन में है, इसलिए जो वैधि जो प्रवृत्ति जिसको कहते जो शास्त्र की शासन का अनुरूप जो चले, शास्त्र के शासन के, अगर मंगल आरती में नहीं जाएगा तो मंगल ही नहीं होगा। हमारी मंगल आरती में ही मंगल होता है। गुरुदेव कहते हैं जो मंगल आरती में नहीं आते उसको कभी मंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत प्रति। मंगल आरती दर्शन करने से ही भगवान का दिव्य दृष्टि जो सामने खड़े होते हैं उनको बर पड़ता है। पढ़ने पर जागुक हृदय मर सुमंगल आरती, तब हृदय में मधुर भाव प्रकट होता है। इसलिए मंगलारती दर्शन नहीं करेंगे तो फिर जीव का मंगल कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव जब मथुरा में रहते थे एकदम मंगलारती आकर के ना सबसे पीछे खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे कौन आए और कौन नहीं आए। अगर कोई नहीं आए ना, अगर सोया होगा सीधा लेकर बाल्टी में पानी डाल देते, ठंडा समय में भी सीधा जाकर के ऊपर में पानी डाल देते गुरुदेव हैं, नहीं तो लात मारते थे उसको, लात मारते थे। हमारे मंदिर में एक कृष्णदास प्रभु जी थे ना, वो छोटे छोटे बचपन में आए आए तो कभी कभी सो जाते थे, लेकिन गुरुदेव जा करके लात मार देते थे। उन्होंने एक दिन क्या किया, गुरु जी को भी ठग लेने के लिए उसने क्या किया, अपना जो जो रजाई था ना उसको ऐसे रख दिया जैसे कोई अंदर में कोई सो रहा है, लेकिन वो जा करके छुप गया। गुरुदेव आए बोले मंगलारती में नहीं आ, मारा लात गुरुदेव जब उसमें है ही नहीं। तब उन्होंने कहा हाँ मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ। इसलिए गुरुदेव उस समय में सबसे पीछे खड़े रहते थे, खड़े होकर के एकदम मंगल आरती में नहीं आएंगे तो पहले खाना बंद कर दो, इसको इसको प्रसाद बंद कर दो इसको। इसलिए अभी भी नियम है, प्रभुपाद का समय इस्कॉन में नियम है एकदम। एक व्यक्ति रजिस्टर में गया था बॉम्बे में, वहाँ पर जो मंदिर में जो मंदिर में वहाँ पर गया था, तो सवेरे गया वहाँ पर गुरु जी कथा करने के लिए गए थे उस पास में, मैं सवेरे जाता था। 60-70 ब्रह्मचारी वहाँ पर सबके सब बैठ करके 1.5 घंटा तक हरिनाम करते थे। और मंगल आरती में आएंगे, मंगल आरती के बाद में कोई चाह नहीं सकते, जैसे मंगल आरती हो गया ना फिर कहीं चल नहीं, पूरा वही चारों तरफ में बंद कर देते हैं। और एक व्यक्ति रजिस्टर लेकर के आता है, रजिस्टर लेकर के आता है कौन आया कौन नहीं आया, उसको टीप लगाता है और जो नहीं आया प्रसाद बंद, उसका प्रसाद बंद है। एक दिन में सब सही हो जाता है, एक दिन में रहो रहो नहीं तो मंदिर खुला हुआ जाओ। क्या होता है नहीं तो एक है ना दूसरों को भी, एक को देखकर दूसरे भी बिगड़ता है, एक को देखकर के
फिर दूसरे बिगड़ता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे हम भजने के लिए आए, घर बार छोड़कर भक्ति करने के लिए आए, हैं भजन करने के लिए आए। अगर भजन नहीं करेंगे तो विषय का अन्न खाएंगे तो मन दुष्ट होगा, तो विषय अन्न खाए ले मलिन है मन। लोग जो भिक्षा देते हैं कामना वासना को साथ में देते हैं, अगर बगैर भजन किए हुए उनको खाते रहेंगे तो बुद्धि हमारी मलिनता हो जाएगा, खराब हो जाएगी, हैं। इसलिए गुरुदेव इस सब चीज़ को सिखा देते। इसलिए कहते जब तक ये जो मन है, हैं, कहते जब तक ये मानव की बुद्धि माया के अंदर रहती है, अधीन रहती है, उसको कहते हैं वैधि। लेकिन जब ये माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कहते इसको क्या कहते हैं, कहते इसको राग भक्ति कहते हैं। रागानुगा मतलब किसको क्या कहते हैं, रागानुगा भक्ति, राग भक्ति उसको कहते हैं जो स्वाभाविक हो। हमें बोलने का जरूरत नहीं मंगलारती में आओ, हैं, प्रसाद पाने के लिए बोलना पड़ता है स्वाभाविक रूप, भूखे ना भजन हे गोपाला, जैसे स्वाभाविक रूप में प्रसाद पाते हैं। भजन भी हमें स्वाभाविक रूप में नहीं, अपना हरिनाम करना, अपना साधन भक्ति करना, हमें अपना भक्ति करना, कीर्तन करना, कथा में बैठना, ये हमारे अंदर में स्वाभाविक रूप में सब चीज़ें आनी चाहिए, स्वाभाविक रूप में आनी चाहिए। जैसे गोपियों की हैं, जैसे ब्रजवासियों का, गोपियों का जैसे भावना है, स्वाभाविक रूप में कृष्ण में चित्त लग जाना। इसलिए भ्रमर गीत में बताए, जब कृष्ण स्वयं एक भंवरा बनकर गए थे और राधा रानी बोल रही थी खबरदार मेरे प्यार के ऊपर मत बैठना, लगता है तुमने शराब पी करके आए हो, हैं, और उनको कृष्ण को बड़ी टेढ़ी मेढ़ी वचन बोल रही थी, वो जितने काले सब घूरते हैं सत्य युग में कालाया काले आए काले काले। इतने में वो भंवरा ने प्रश्न किया, बोले मैं जब से आराम तब से वही काले 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 कहीं रखना लगा कर रखे हो। अगर कोई व्यक्ति इतना खराब भैया उसको नाम ही मत लिया करो, उसका नाम क्यों ले रहे हो, उसका बात तो छोड़ो। गोपिया कहती यही बात है, वो हमारी ऐसे कण कण में बैठ गया है, उसको चाहते हैं दिल से निकालने के लिए, वो निकलता ही निकाला। हम कान को कहते हैं उनकी बंसुरी की आवाज़ मत सुनो, लेकिन उनकी बंसुरी की आवाज़ एक बार कोई घुसती नहीं अंदर। ये जीवा को बोलते भैया कृष्ण नाम छोड़कर आओ तो कोई बात बोल, लेकिन वो ऐसे बैठ गया, ये निगोड़ी जीवा ऐसे बोली निकले तो उसकी सिवाय कोई बोली नहीं निकलती। इसको कहते रागानुगा वृत्ति। जब हमारी कण कण में वो समाए जाए, ऐसे समाए जाए, ये आँखों से कृष्ण के सिवाय कुछ दिखे ही नहीं, कानों में कृष्ण की कथा वगैरह कुछ सुनाई नहीं पड़े, हैं, जीवा में कृष्ण नाम के व्यक्ति कुछ चीज ही नहीं आए, इसको कहते हैं ये रागानुगा वृत्ति। इसको कहते हैं, इसको रागानुगा वृत्ति कहते हैं। जब वो हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, अरे माया से ऊपर चले जाते हैं, फिर माया के अधीन में फिर नहीं रहते। फिर उसको आगे क्या कहते हैं, फिर उसको हम कल सुनेंगे, ठीक है। वंशाकुल कृपा पिता नाम पावन भो वैष्णव भो नम। आपने बताया कि बाबा जी महाराज के कहने पर उन्होंने उनको बोलना आरंभ किया, अगर कोई गुरुदेव सरल है वो व्यक्ति करते थे, तो उस समय जो गुरु लोग होते हैं फिर भी सरलता प्रकाशित क्यों करते हैं, उस पर शासन करके उसको आदेश क्यों।